नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच्चा नाम है? बिंदु, आपको डेरा से जुड़े हुए कितना वर्ष हो गया या समय हो गया? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल काफ़ी लंबा समय होता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि मतलब ऐसा जो कि मीडिया में दिखाया गया है, कितने प्रतिशत सच्चाई है उस बात में जो मीडिया में दिखाया गया? मीडिया में जो भी डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया गया, नहीं जी, कोई सच्चाई नहीं है उसमें, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। आप एक महिला हैं, वहाँ डेरा जाती हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? और एक महिला के लिए जो डेरा सच्चा सौदा है, कितना सुरक्षित है? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, हम दिन रात रहते हैं, सेवा करते हैं वहाँ पर, और भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, वहाँ पर जाते हैं, लड़कियाँ हैं सब आते हैं, और हम जैसे बाहर समाज में जाते हैं वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अब जैसे दरबार में तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, बाहर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ा जा रहा है पिताजी के जाने के बाद। तो जैसे युवा है, पीढ़ी है, तो बाहर निकलना दी बेटियों का जैसे बंद हो गया है, और नशा बहुत ज़्यादा करने लगे पिताजी के जाने के बाद। हमें पिताजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नशा मुक्ति से छुड़ाए और समाज में सुधार आए, तो हमें ये पिता अनुरोध है कि पिताजी को जल्दी से जल्दी भेजें जी। जैसा कि गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें मतलब बेकार चीज़ें बढ़ गई हैं गुरुजी के जाने से? जी, आपस में लड़ाई झगड़ा ही बहुत ज़्यादा होने लगा है। जो जैसे सत्संगी परिवार है वो तो 99% जुड़े हुए हैं मालिक से, पिताजी के जाने के बाद भी पिताजी ने ऐसा जज्बा कूट कूट के भरा है अंदर, तो वो तो समाज बहुत ज़्यादा जैसे जो विरोधी समाज था वो बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी भी सत्संगी परिवार टूटे, तो अब मालिक ने ऐसे जज्बा कूट कूट के भरा अंदर, तो वो डिगे नहीं, मालिक पे बहुत ज़्यादा विश्वास है जी। गुरुजी ने महिलाओं के लिए आज तक क्या किया है, महिलाओं के लिए पूछना चाहूँगी, और साथ में वेश्याओं के लिए क्या किया है? पिताजी ने अपनी बेटी बनाई है वेश्या को, और वेश्याओं के जैसे शादी करवाई है, अपनी बेटियां बना के सब कुछ जो जैसे बेटी को देते हैं वो पिताजी ने अपनी अपने तरफ से दिया, अपनी कमाई में से दिया, दरबार से नहीं दिया, अपनी कमाई में से दिया पिताजी ने। जो दिन पिताजी भी मेहनत करते हैं, अपने खेत है तो उनमें से पिताजी ने उनको दान दिया है, और औरतों के लिए जैसे समाज में बताया गया है भी औरतों की जैसे कदर होनी चाहिए, और बहन बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जो महिलाएं जाती हैं डेरा में, कितनी सुरक्षित है? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है डेरा में, हमें तो दिन रात सेवा करते हैं, और जैसे कभी भी ऐसा इतना सुरक्षित नहीं समझा जितना दरबार में सुरक्षित है। गुरुजी पे आपका विश्वास कैसा है? बहुत ज़्यादा विश्वास है पिताजी पे हमें। ऐसा क्या दिया है आपको गुरुजी ने जो कि आप कह रहे हो आज भी विश्वास उतना ज़्यादा है आपका? मालिका ने हमें सब कुछ दिया है, जैसे मालिका ने हमारे चमत्कार भी बहुत ज़्यादा है पिताजी के हमारे ऊपर, तो हमें इतना ज़्यादा जज्बा है पिताजी, इतना ज़्यादा विश्वास है कि इतना किसी पे भी नहीं है, इतना ज़्यादा विश्वास है हमें। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे गुरुजी को लेके? हमें ये अपील करना चाहिए हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी भेजे, और समाज में बहुत ज़्यादा अत्याचार फैला जा रहा है, तो वो बंद करवाएं, पिताजी ही करवा सकते हैं, और कोई समाज में नहीं है, कोई करवाए इनको जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स हैं उनकी लगातार यही अपील है कि जो गुरुजी को जल्द से जल्द समाज के बीच में भेजा जाए। क्यों? क्योंकि जो अत्याचार हो रहा है ताकि वो रोक सके।